हाय फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं टू मॉडरेटर और दोनों कंटिन्यूस हो तो कैसे उस पर काम करेंगे। तो एक बार पहले इसको समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हॉर्स पावर का एमपीजी पे जो इफ़ेक्ट है हम चेक कर रहे हैं जब वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो। अब इसका क्या मतलब हुआ है, तो ये दोनों कंटिन्यूस पर हम दोनों को एक्चुअली एक्स बार माइनस सिग्मा और एक्स बार प्लस सिग्मा की टर्म्स में सोचेंगे। तो बेसिकली लो वेट हाई वेट, लो डिस्प्लेसमेंट हाई डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास चार ग्रुप हो गए। जब हमारे पास लो वेट के व्हीकल थे और लो डिस्प्लेसमेंट वाले, उसमें जो रिलेशन था, फिर हमारे पास लो वेट और हाई डिस्प्लेसमेंट के आए व्हीकल, हाई वेट लो डिस्प्लेसमेंट के, हाई वेट और हाई डिस्प्लेसमेंट जब हमने किया तो इस रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ा। बाई वेरिएट तो अभी भी एक ही है, इस पर फ़र्क क्या पड़ा। फाइल अभी भी एम्प्टी कार से, और जो पैकेज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिंगल के लिए था, PEQUOD, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ये तो सिर्फ ये बताता है सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो हमने सिंपल स्लॉप किया, जो LM था हमारा या LMRES था, वो तो सिंपल ये बताता है कि सिग्निफिकेंट है। लेकिन सिंपल स्लॉप से हमें पता लगा कि लो वेट एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, हाई वेट में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब हम दो लेंगे मॉडरेटर तो हमारा सिंटेक्स रहेगा LMRES DV डिपेंड्स ऑन IDV इंटू मोड 1 इंटू मोड 2, और डाटा दे देंगे। और लिखने का तरीका वही, सिंपल स्लोप में अब हम दूसरे मोड का भी नाम दे देंगे, प्लॉट स्लोप्स, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें जब हम करेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट मेरा एक बहुत ही लंबा छोटा आउटपुट आएगा। अब चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पर लिखा PP बन गया। इसकी समरी देखें तो समरी में इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी समरी आई है ये। तो इसमें तो पता ये लग रहा है, अगर आप यहाँ देखें इंटरसेप्ट, और इसमें इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ एक बारी, और इस चीज़ को एक बार दोबारा रन करते हैं। देखिए इसमें इंटरसेप्ट तो सिग्निफिकेंट है, और HP वेट 10% पे तो सिग्निफिकेंट है, 5 पे नहीं है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा। और VIF की वैल्यू 2000 1800, VIF की वैल्यू 5 होती है, 194। ओके, ये तो काफ़ी बता रहा है। देखिए असल में हुआ क्या, HP इंटू वेट किया, HP इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही टर्म, HP का इफेक्ट यहाँ पे भी है, इसमें भी, तो वो क्या हो गया, मल्टीकोलिनिटी बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो गई है। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे नहीं घबराना, हम तो देख रहे हैं सिंपल स्लोप वगैरह से। तो समरी PP हमने कर लिया, अब हम सिंपल स्लोप करते हैं। और इसकी समरी अगर हम देखें, ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा आउटपुट आता है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है काफ़ी वाइड करके, आपको ना इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, और इसको एक्चुअली में यूं करना पड़ेगा। देखिए इसको समझते हैं कि हुआ क्या, क्या कर रहे हैं हम। ये तो पिछली बार हमारे 4 पॉइंट आए थे, अब हमारे आ गए हैं 8 पॉइंट। लो वेट लो डिस्प्लेसमेंट पे हमारा जो लो HP जब हमने रखा तो MPG था 26, और जब हमने HP को बढ़ाया तो वो गिर के हो गया 18। लेकिन जब लो वेट पे ही हाई डिस्प्लेसमेंट कर दिया, HP लो था तो वो 21 हो गया, 26 से भी गिरा है, और हाई से और भी गिर गया है, लेकिन सिग्निफिकेंट कम हुआ है, 21 से 19 हुआ है। ये चेक करेंगे सिग्निफिकेंट है कि नहीं, पर 26 से 18 तो बहुत ज़्यादा गिरा है। हाई वेट के अंदर तो कोई हमें देखा था बहुत फ़र्क नहीं पड़ा था, 17 से 14 हो गया, और हाई डिस्प्लेसमेंट में करने से 15 से 14 हो गया। तो सिंपल स्लोप जब हमने देखा तो सिर्फ एक हमारे पास सिग्निफिकेंट आया, लो वेट लो डिस्प्लेसमेंट में तो ये वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, ये इनमें तो कोई दम नहीं है, अकेला ये चीज़ हम देखेंगे इसको। इसी चीज़ को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है, ये वही 8 पॉइंट है, ये जो 8 पॉइंट थे ना इनको प्लॉट किया ग्राफ पे, हमें ये पता लग रहा है कि जब जैसे जैसे हमने लो वेट और हाई डिस्प्लेसमेंट के व्हीकल पे HP को बढ़ाया तो MPG बहुत ही तेज़ी से गिरती गई, बाकी तीन में उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहे। तो ये कैसे पता लगा मुझे कि इसमें तेज़ी से नहीं गिर रहा, वो इससे पता लगा। देखो यहाँ वैल्यू इसकी, हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसमें उतना नहीं है इफ़ेक्ट, लेकिन लो वेट और लो डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये हमारा हो गया टू मॉडरेटर जब हमने साइमल्टेनियसली लिए हैं उस केस में। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनता है कि अगर कैटेगोरिकल मॉडरेटर हो तब क्या करते हैं। देखिए इसके वैसे तो मैं आपको स्टेप्स बताऊं, ये मैंने जो एमोस की प्लेलिस्ट या बाकियों में सब में समझाया है। यहाँ हम बेसिकली कैटेगोरिकल मॉडरेटर का मतलब, आप उस फाइल को स्प्लिट कर दीजिए,
दो बार रिग्रेशन रन करें और जो डेनियल सोपर हैं उनकी साइट पे जाके आप ये चेक कर लीजिए क्या दो रिग्रेशन कोफिशेंट्स में डिफरेंस है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05 है तो इंडक्शन टर्म है। इसको कैसे करें, इसका एक थोड़ा सा हमारा तरीका है। हमारे पास एक कमांड है सबसेट। सबसेट क्या करता है, एक गिवन कंडीशन पे इसके छोटे हिस्से को किसी चीज़ में सेव कर देगा, यानी एम्प्टी कार्स में से वो डाटा, वो रोज जिसमें VS 0 थी, उन वैल्यूज़ को फाइल STR, ये स्टेट इंजन के लिए है, उसमें सेव कर दिया। इसी तरह मैंने फाइल वी शेप एक अलग बनाई जिसमें VS इज इक्वल टू 1, उसमें फाइल शेप में कर दिया। अब मैं इसको अटैच करूँगा फाइल STR को और X1 में रन कर दूँगा MPG डिपेंड्स ऑन HP। फिर मैं फाइल वी शेप को अटैच करूँगा और सेम रन कर दिया, दोनों की समरी निकाल दी, इनको राउंड ऑफ कर दिया ताकि लंबा चौड़ा आउटपुट ना हो और सिर्फ कोफिशेंट हम देख लें उसमें से। डॉलर का मतलब पार्ट ऑफ आउटपुट देखना। एन रो से हम एन देख सकते हैं दोनों का सैंपल साइज कितना था। और डेनियल सोपर की साइट पे अगर आप जाएंगे यहाँ आपको ये मिलेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू स्लोप कैलकुलेटर्स। दोनों की वैल्यू पुट करें, ये छः चीज़ें पूछता है, सैंपल साइज 1-2 का, पहली लाइन का, दूसरी लाइन का, दोनों के स्लोप और दोनों के स्टैंडर्ड एरर। अगर हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है तो इंटरेक्शन है। तो ये चीज़ मैं आपको करके दिखा दूँ। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और अपना ग्राफ तो हमें चाहिए नहीं, तो हम पेन को राइट साइड पे ले लेते हैं। देखिए इसी को अब हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ये मैंने फाइल STR बनाया, फाइल वी शेप बनाया, अटैच, ये बहुत सारी मास्किंग करेगा, डोंट वरी। X1 रन किया, फाइल वी शेप टू X2 रन किया, X1 की समरी, X2 की समरी, और राउंड ऑफ करके इनको एक बारी आप देख लीजिए तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं इसको क्लियर करके दोबारा रन करता हूँ। एक ये है और एक ये है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 0.042 और 0.158 दोनों माइनस के हैं, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। जब हमारा वो जीरो केस था, यानी हमारा ये था स्टेट इंजन, तब तो वैल्यू थी हमारी HP की, जो रिग्रेशन कोफिशेंट था, -0.042 था। लेकिन जो वी शेप इंजन था उसमें दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब मैं ये छः वैल्यू लूँगा, 18, 14, तो आप डेनियल सोपर की साइड देख लीजिए, 18, 14। दूसरा है हमारे पास -0.042, -0.158, ये दोनों पुट कर दिए, और स्टैंडर्ड एरर, तो ये आया दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, पर इसकी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ अगर हमारे पास दो कैटेगरी हों उसी को चेक कर सकता है। टी टेस्ट रिमेंबर दो कैटेगरी के लिए होता है। अगर आपके पास मॉडरेटर है जिसमें तीन कैटेगरी हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड ऐसे चेक करना पड़ेगा। यही चीज़ जो हमने इतनी सारी मेहनत से की, एक उसका आसान तरीका बेस पैकेज में भी है। बेस पैकेज में अगर आप सिंपल कोडिंग आपने 0 और 1 में दी हुई है तो हम सिंपल इसको रन करें और यहाँ पर भी ये वही आ जाता है। ओके, कुछ एरर दे रहे हैं। ओ, मैंने एम्प्टी कार्स नहीं रन की थी, पिछली ही थी। तो देखिए -0.00, रिमेंबर ऊपर चेक करें, दोनों के अंदर हमारे जो डिफरेंस आ रहा था वो 0.011 का ही डिफरेंस था। मैं यहाँ दोबारा चेक कर लूँ इसको एक्स में। देखिए इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 116 के करीब है, जो XX का करने पे ये भी 0.116 आ रहा है। तो अगर आपके पास आपकी जो, मैं एक बार यहाँ आपको दिखा देता हूँ व्यू एम्प्टी कार्स, अगर हमारा जो डाटा है VS वो सिर्फ 0 और 1 में है, कोडिंग हमारी 0 1 में है, तो इन दैट केस तो आप सिंपल बेस पैकेज में सिंपल वाला रिग्रेशन रन करें, उसमें भी ये सही आ जाएगा। पर इसमें फिर वही चीज़ है, इसमें ये तो पता लग रहा है कि इंटरेक्शन टर्म है, लेकिन किस में आया, किस में कम है, किस में ज़्यादा है, उसके लिए ये वाला सही है। तो डेनियल सोपर की साइट पर जाके हमें ये पता लगा कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब हम कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि जो हमारा वी शेप है उसमें हमारा काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा स्टेट इंजन में, जो जो इनका जैसे जैसे HP बढ़ाते हैं हमारी MPG गिरती है, वी शेप में ऑलमोस्ट 3-3.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से गिरती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट इंजन। वो देख लीजिएगा कोड 0 और 1 क्या था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेगोरिकल मॉडरेटर। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर द मॉडरेशन एनालिसिस। थैंक यू।